वेलकम टू रेसिपी इंटीरियर क्रिएशन टू रेवोल्यूशन। सो गाइज, आज हम लोग बात करेंगे कि आपको कार्टेन में जाना चाहिए या फिर ब्लाइंड्स में जाना चाहिए। इसमें वेरिएशन कौन सा होता है, आपका जो इंटीरियर अभी किया हुआ है उसके साथ कौन से कलर का कार्टेन और ब्लाइंड्स क्यों जाना चाहिए, और इसमें मेंटेनेंस का क्या इशू रहता है। देखिए, जब भी घर में हम लोग इंटर करते हैं, सबसे पहले हम लोगों का सामने लिविंग एंड डाइनिंग एरिया विजिबल हो जाता है, और लिविंग एरिया में या फिर डाइनिंग के साथ बैल्कोनी रहता है, मतलब स्लाइडिंग डोर रहता है, या फिर एक बड़ा साइज का विंडो रहता है। तो आपको कार्टेन में जाना चाहिए कि ब्लाइंड्स में जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए। पहले रोमैन ब्लाइंड्स लेके बात करते हैं। रोमैन ब्लाइंड्स जो होता है, ये ब्लाइंड्स जैसे ऊपर से नीचे तक आता है, मतलब फोल्ड हो के ऊपर जाता है, और इसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। कोई भी पर्टिकुलर कलर जो भी आपका चॉइस में है, जो भी टेक्सचर आपके दिमाग में है, जो भी फ्लोरल डिज़ाइन या फिर पैटर्न आपको पसंद है, अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करके इसमें आप डाल सकते हो। ब्लैकआउट जैसा लुक मिल जाएगा, मतलब अगर आप इसको पूरा नीचे ले चले आओगे तो आपका जो बाहर का धूप होगा वो अंदर में एंटर कर नहीं पाएगा, एंड पूरा ब्लैक थीम आपका मेंटेन हो जाएगा अगर आप बिल्कुल भी रोशनी नहीं चाहते हो। और इसमें प्लस पॉइंट ये होता है, थोड़ा सा हेवी ये होता है, इसलिए आपका अगर विंडो ओपन भी है या फिर स्लाइडिंग आपका ओपन भी है तो ये बहुत ज़्यादा बाहर के वेंटिलेशन से, मतलब एयर सर्कुलेशन से ये हिलता नहीं है, जो कि वुडन ब्लाइंड्स या फिर नॉर्मल ब्लाइंड्स वो हिलता है। तो इसका प्लस पॉइंट ये हो गया। दूसरा, इसका टेक्स्चर, पैटर्न, फ्लोरल प्रिंटिंग कुछ भी आप कस्टमाइज़ पूरी तरीके से कर सकते हो, अपने हिसाब से डिज़ाइनर कपड़ा खरीद के इसको आप बनवा सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। एंड इसका मेंटेनेंस में थोड़ा सा इशू है, क्योंकि ये इजी टू क्लीन बिल्कुल भी नहीं है, आपको ये ड्राई क्लीन ही करना पड़ेगा। और इसको जब आप नीचे कर देते हो तो आपका पूरा रोशनी ब्लॉक हो जाता है, मतलब जो एक सेमी ब्लॉकेज वाला जो फिनिशिंग, अगर सूदिंग इफेक्ट, हल्का सा फिल्टर लाइटिंग चाहिए, वो इससे नहीं हो पाता है। उसके बाद बात करते हैं ज़ेब्रा ब्लाइंड्स। ज़ेब्रा ब्लाइंड्स क्या होता है? ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में शियर कर्टेन जो होता है उसका भी एक इनपुट रहता है, एंड एक ब्लॉक कर्टेन का भी इनपुट रहता है। तो ज़ेब्रा ब्लाइंड्स में क्या होता है, ये आपको उतना ज़्यादा प्राइवेसी नहीं दे पाता है। अगर आपका ग्राउंड फ्लोर में आपका फ्लैट है, या फिर ऐसे जगह में आप ब्लाइंड्स यूज़ कर रहे हो जहाँ से आपका बाहर का चीज़ आप बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहते हो, तो इसमें आप ज़ेब्रा ब्लाइंड्स बिल्कुल भी यूज़ मत करो, क्योंकि इसमें से हल्का हल्का रोशनी भी आता रहेगा, एंड आपका एरिया जो है वो पूरी तरीके से 100% विजिबिलिटी ब्लॉक आप कर नहीं पाओगे, तो थोड़ा सा दिखेगा बाहर से। तो प्राइवेसी के हिसाब से ज़ेब्रा ब्लाइंड्स सही नहीं है, लेकिन हाँ, सूदिंग लाइटिंग अगर आप चाहते हो ब्लाइंड्स के ज़रिए, तो ज़ेब्रा ब्लाइंड्स का कुछ हद तक जा सकता है। उसके अपर हेड में चले जाते, सबसे ब्यूटीफुल एंड सबसे रॉयल लुक जो लेके आता है वो होता है वुडन ब्लाइंड्स। अगर आपके घर में इंटीरियर में वुडन टच बहुत ज़्यादा है तो आप वुडन ब्लाइंड्स में ही जाइए, दूसरा कुछ सोचने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वुडन ब्लाइंड्स सबसे सुंदर होता है, सबसे रिच लुक होता है, और इसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन अवेलेबल है। वुडन ब्लाइंड्स का सबसे प्लस पॉइंट ये होता है, यहाँ पर आप लाइट को कंट्रोल कर सकते हो, मतलब जैसे आप रोमैन ब्लाइंड्स में लाइट को पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप पूरा नीचे गिरा दोगे तो ये ब्लैकआउट हो जाएगा, पूरा ऊपर उठा दोगे तो फिर लाइट आता रहेगा, अगर 50% में रहोगे उनके तो 50% लाइट आएगा, 50% ब्लॉकेज रहेगा। लेकिन वुडन ब्लाइंड्स में क्या होता है, इसमें आप लाइट की ओरिएंटेशन को अपने हाथ में रख सकते हो। इसका मतलब ये होता है, अगर आप चाहते हो कि आपके मुंह में लाइट आके ना गिरे, या फिर आपका फ्लोर एरिया में बेस लेवल में लाइटिंग नहीं चाहिए, खाली एक फिल्टर लाइट चाहिए, सूदिंग इफेक्ट चाहिए, लेकिन रोशनी का सोर्स दिखना नहीं चाहिए, प्राइवेसी मेंटेन हो पाए, तो फिर आप वुडन ब्लाइंड्स को हल्का सा इस तरफ रख सकते हो, तो फिर लाइट ऊपर सीलिंग में जाके गिरेगा एंड पूरी जगह को इल्यूमिनेट कर देगा, हल्का सा सुंदर सा लाइट दिखेगा आपको पूरे सराउंडिंग में, लेकिन आपके ऊपर लाइट बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, एंड आपका प्राइवेसी भी मेंटेन हो जाएगा। उसके बाद अगर आप चाहते हो तो उसको ऐसे फ्लैट में रख सकते हो 180 डिग्री में, उसमें से क्या होगा, लाइट भी पूरा आपके तरफ आएगा, लेकिन एक ऐसा आपका हॉरिजॉन्टल एक थोड़ा सा मतलब बार्स भी दिखेगा, तो देखने में अच्छा लगता है, बहुत सुबर लगता है। और अगर आप चाहते हो कि आपका सीलिंग में नहीं लाइट चाहिए, और अगर आप चाहते हो कि आपके ऊपर भी लाइट आके ना गिरे, लेकिन आप पढ़ाई कर रहे हो, कुछ डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, या फिर आप चाहते हो कि नीचे बेस में लाइट गिरे, चाहे वो टेबल टॉप हो गया या फिर फ्लोर एरिया आपको हाईलाइट करना चाहते हो, उसमें उसका अगर फ्लोर में कोई ग्लॉसी ऑनिक्स का मार्बल है उसको आप हाईलाइट करना चाहते हो, तो फिर आपके आप इसकी ओरिएंटेशन को ऐसे भी रख सकते हो,
मतलब लाइट ऊपर से गिरेगा और नीचे गिरेगा, ना वो ऊपर की तरफ जाएगा, ना वो सराउंडिंग में जाएगा, ना वो अप पे आएगा। तो इसका ये एक्सेसिबिलिटी सबसे ज़्यादा सुंदर एंड सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल कर देता है। लेकिन एक चीज़ दिमाग में रखिए कि वुडन ब्लाइंड्स अब तब ही यूज़ कर पाएंगे अगर आपके घर में बाकी इंटीरियर सारे विनियर टच में है या पॉलिश फिनिशिंग है या फिर आपका फ्लोरिंग में वुडन फ्लोरिंग किया हुआ है, तब ही आप वुडन ब्लाइंड्स में जा सकते हैं। अगर आपका बहुत ज़्यादा मॉडर्न मतलब ग्रे टोन में इंटीरियर है या फिर हाई ग्लॉसी पीवीसी फिनिशिंग में इंटीरियर है या फिर कोई पर्टिकुलर टेक्सचर में इंटीरियर आपका हो गया या फिर आपका सोफ़ा सेट या फिर सराउंडेड बेड कहीं पर भी बहुत ज़्यादा आपका प्रिंटिंग का काम किया हुआ है, मतलब फैब्रिक प्रिंटिंग का काम बहुत ज़्यादा किया हुआ है, अगर फ्लोरल कॉन्सेप्ट का यूज़ हुआ हुआ है या फिर अगर आपका वॉलपेपर कुछ बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न टेक्सचर में है, कोई पर्टिकुलर पैटर्न या फिर थीम को कैरी कर रहा है जो कि लेटेस्ट ट्रेंड में जाता है, तो या फिर पीवीसी ट्रेंड को सपोर्ट करता है, तो फिर आप वुडन ब्लाइंड्स में नहीं जा सकते। क्योंकि अगर आपका विंडो ओपन रहता है, बहुत ज़ोर से हवा मारता है, तो ये थोड़ा सा हिलेगा क्योंकि ये हल्का होता है वेट में, हेवी वेट इसका बिल्कुल भी नहीं होता है। उसके बाद ब्लैकआउट ब्लाइंड्स का मतलब ये होता है जो पूरे रूम को ब्लैकआउट कर देता है। इसको ऊपर से नीचे आप गिरा दो, ना ही इसमें पर्टिकुलर ज़्यादा कुछ टेक्सचर आपको मिलेगा, ये बहुत डार्क शेड में होता है और पूरे रूम में अंधेरा कर देता है। इसके बाद कर्टेन, सबसे सुंदर, सबसे ज़्यादा सपोर्टिव, सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल होता है कर्टेन, ओनली कर्टेन। क्या मतलब, जैसे हम बोल रहे थे कि रूम में एंटर करते ही आपको लिविंग या डाइनिंग एरिया दिखेगा, तो आप एक चीज़ नोटिस कीजिएगा कि आपके अगर लिविंग में बड़ा सा विंडो है, तो अगर आप वुडन ब्लाइंड्स में भी जाते हो या फिर दूसरा कोई भी ब्लाइंड्स में जाते हो, तो आपको खाली वो पर्टिकुलर एरिया में ही आप ब्लाइंड्स का काम कर सकते हो। लेकिन अगर कर्टेन में आप जाते हो तो आप फुल वॉल में काम कर सकते हो। मतलब कर्टेन अगर आपको लेना है, और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि कर्टेन ही आप लीजिए अगर वुडन टेक्सचर आपका ना है तो, और कर्टेन आप फुल साइज़ में लीजिए, मतलब वॉल टू वॉल, फ्लोर टू सीलिंग तक फुल साइजिंग में आप कर्टेन ले लीजिए। फ्लोर से मिनिमम 2 इंची का क्लियरेंस रहेगा एंड सीलिंग टच हो जाएगा। कर्टेन का जो भी फिक्सचर होगा, मैंने फिटिंग्स जो भी होगा, वो हिडन ही होना चाहिए, वो बिल्कुल दिखना नहीं चाहिए। वो आइदर पेलमेट के अंदर कंसोल हो जाएगा या फिर फॉल सीलिंग के अंदर वो कंसोल में चला जाएगा। एंड फुल साइज कर्टेन अगर आपके पास है, तो मान के चलिए एक कर्टेन के ज़रिए आप पूरे इंटीरियर को बहुत ज़्यादा हाईलाइट एंड रिच लुक दे सकते हो। पर हाँ, कर्टेन का कलर कभी भी बहुत लाउड नहीं होना चाहिए, कर्टेन का कलर कभी भी बहुत हेवी नहीं होना चाहिए, कर्टेन का कलर एकदम मिनिमम टोन में जाना चाहिए एज लाइक योर वॉल्स। मतलब आपके घर में अगर बहुत ज़्यादा बेज कलर का यूज़ है या फिर वॉलनट फिनिशिंग में है, तो आप लाइट बेज टोन में कर्टेन का यूज़ कीजिए। या फिर अगर आपके घर में मान लीजिए वुडन फर्नीचर आपका है, तो आप लाइट मेहोगनी के टोन में जो कर्टेन आता है इसको ही यूज़ कीजिए। और अगर प्रिंटिंग में जाना ही है, तो ऑब्वियसली मैट फिनिश में ही जाइए। मैट फिनिश में बहुत ज़्यादा आपका सुंदर सुंदर फ्लोरल डिज़ाइन मिल जाएगा कर्टेन में, वो आप ले सकते हो। लेकिन कर्टेन लेने के साथ शेयर कर्टेन ज़रूर आप लीजिए, क्योंकि शेयर कर्टेन ये होता है जो आपका मूड क्रिएशन में बहुत ज़्यादा मददगार होता है। या फिर मान लीजिए आपका फ्लैट वेस्ट डायरेक्शन में है, जहाँ पर सनसेट का बहुत ज़्यादा लाइट चला आता है, या फिर ईस्ट में है, सनराइज़ की लाइट बहुत ज़्यादा आता है, तो वहाँ पर आप शेयर कर्टेन अंदर से डाल के कॉफ़ी पी सकते हैं। एक मूड क्रिएशन में एक फिल्टर होकर लाइट आएगा, तो एक सूदिंग इफेक्ट क्रिएट करेगा, तो ये बहुत सुंदर होता है। और शेयर कर्टेन जो भी आप यूज़ कर रहे हो, वो ब्रांडेड ही होना चाहिए। मेन कर्टेन आप ब्रांडेड लो या फिर नॉन ब्रांडेड लो, कोई दिक्कत नहीं, सुंदर सा डिज़ाइन ले लीजिए। लेकिन शेयर कर्टेन ब्रांडेड में ही जाइए, क्योंकि इसमें बहुत पतला होता है इसका मटेरियल, तो ईजीली मतलब वो टियर अप हो जाने का, वो चीर फाड़ हो जाने का चांसेस रहता है। और अगर बहुत ज़्यादा एंटीक फर्नीचर आपके घर में है, बहुत ज़्यादा टीक वुड का काम आपके घर में किया हुआ है, पॉलिशिंग फिनिश बहुत ज़्यादा घर के अंदर इंटीरियर में आप वुडन वर्क करवा चुके हो, तो फिर अनडाउटली आप वुडन ब्लाइंड्स में ही जाइए। सो अगर इंटीरियर के कोई भी क्वेरी हो, कोई भी वास्तु रिलेटेड टिप्स और कंसल्टेंसी आपको चाहिए, कोई भी डिज़ाइन एंड डेकोरेशन और एग्जीक्यूशन का रिक्वायरमेंट आपके पास है, तो प्लीज़ हमसे कॉन्टैक्ट कीजिए। हम लोग पूरी तरीके से 101% कस्टमाइज सर्विस प्रोवाइड करते हैं। थैंक यू सो मच।